अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली पुष्कर के 104वें राष्ट्रीय अधिवेशन में श्री जाट मंदिर समिति के संरक्षक, पूर्व विधायक और श्री वीर तेजा जी राजस्थान राज्य कल्याण बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री सम्मान्य श्री ऋषपाल सिंह जी मिर्धा साहब से विनम्र निवेदन करूंगा कि पुष्कर की इस ऐतिहासिक धरती से समाज को, देश को अपना संदेश प्रदान करें। आदरणीय श्री ऋषपाल सिंह जी मिर्धा साहब। बोले वीर तेजा जी महाराज की। आप सबको मेरी तरफ से राम राम। 104वें अधिवेशन के अवसर पर यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे इस संस्था के अध्यक्ष परम सम्मानीय आदरणीय अशोकराम जी पूनिया साहब, हमारे इस संस्था के उपाध्यक्ष और पूर्व में अजमेर के जिला प्रमुख रहे राम स्वरूप जी चौधरी साहब, जिंजा साहब, रामाकृष्ण जी, राम स्वरूप जी, मांगीलाल जी मांझी, विजय जी राव, राम किशोर जी मातवा, सम्मानीय खिमाड़ा जी जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, परम सम्मानीय हमारे वयोवृद्ध किसान नेता रामकण जी कमेडिया साहब, भिंजा राम जी साहब, सम्मानीय महेंद्र जी वकील साहब, हमारे रिया के उपरदान गोविंदकरण जी डांगा साहब, कानाराम जी सांगवा साहब, रतनलाल जी बुगालिया साहब, नातू जी हमारे डेगाना के चेयरमैन मदन जी अटवाल साहब, रामदेव जी सौ, रामनारायण जी साहब, शिवनाथ सिंह जी एडवोकेट साहब, प्रकाश जी कुकणा साहब, हनुमान रायल, सम्मानीय राम निवास जी साहब, सम्मानित विराजे मेरे सामने विराजे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, अभी आपको खिमाड़ा साहब ने इस जाट विश्राम स्थली के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और जिन्होंने इसका निर्माण कराया स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा, जिनको राजस्थान ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में किसान नेता के रूप में जाना जाता था, सम्मानीय जगदीप जी धनखड़ साहब जो आज भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और इनसे पहले जो इस समिति के अध्यक्ष रहे हैं, अभी पूनिया साहब ने पूर्ण रूप से आपको बताया कि कुछ व्यवस्थाएं जो ठीक तरीके से नहीं हुई। मैं पूनिया साहब का और इनकी पूरी कारणकारिणी का समाज की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि इनके आने के बाद में इस समिति का जो विकास हुआ है और जो बिल्डिंग को एक नया रूप दिया गया है वो पूरा श्रेय इसी कार्यकारिणी को जाता है। वैसे तो समाज का काम करने के लिए जो अपना समय निकालते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, और मेरे को सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का है जिस समाज से मैं पैदा हुआ वो जाट समाज है, मुझे गर्व है कि मैं भी जाट हूँ। और आज अपने समाज में पूनिया साहब ने कहा जैसे कोई भामाशाहों की कमी नहीं है, पर अपना समय देने वाले ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कि संस्था को चला सके। पूनिया साहब जब भी आह्वान करेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूनिया साहब राजस्थान के कोने कोने से जाट समाज आपके साथ रहेगा और आपको जितना धन चाहे वो मिलेगा, और जब भी आप चाहेंगे तो अपन चलेंगे यहां से और उपराष्ट्रपति जी को जो आपको तारीख आप कहोगे वो उसका समय निश्चित करवा लेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो राजी खुशी इस संस्था में पधारेंगे। आप जितने भी लोग यहाँ पधारे हो मैं ज़्यादा समय न लेकर, एक तो अपने समाज में एकजुटता हो, कुछ समाज में कमियाँ आने लगी है
जिसे जिस स्थिति में समाज है उसको एकजुट रखने का प्रयास करना चाहिए। नेता कोई भी ना हो पर समाज एकजुट रहे, और जो ये नशा प्रवृत्ति वगैरह जो कुरीतियां अपने समाज में आगे बढ़ रही है, हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि जाट समाज 36 कौम को लेकर आगे बढ़े। और जाट कौम मार्शल कौम है, कोई कम कौम नहीं है जाट कौम। सेना में जब जरूरत पड़ती है तो देश की सरहद पर जो लोग बलिदान करते हैं उनमें जाटों का नाम पहले आता है, जाट समाज, राजपूत समाज, क्यामखानी समाज। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जो समाज को अच्छी दिशा दे सके उनकी बात को मानना चाहिए। उनको आप नेता नहीं माने, मैं नहीं कहता कि आप एक क्षेत्र कोई नेता मानो, ऐसी स्थिति आज नहीं है, पर जो समाज को अच्छी दिशा दे सके उसकी बात अपने को स्वीकार करनी चाहिए, निसंकोच स्वीकार करनी चाहिए। आप सब लोग यहाँ हमारे जिले के आज लोग बहुत कम हैं, शायद शाम को हो सके ये पांडाल भर जाए। हमारे नागौर जिले के लोग होते हैं, अभी नागौर अजमेर से जो लोग पधारते हैं शायद शाम को आएंगे, और कुछ हमारे वो दादू संप्रदाय श्री गोपाल जी महाराज जो अपने ही समाज से थे, उनको आज स्वर्गवास होने से आज हमारे जिले से हमारे जो दादू संप्रदाय के सभी साधु संत वहाँ उनके दाह संस्कार में गए हुए हैं। इसलिए आप जो लोग पधारे हैं इस संस्था को देख के जाएं, संस्था की कार्यकारिणी आपके सामने बैठी है। मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि ये कार्यकारिणी एक दिन इस जाट विश्राम स्थली को ऐसे शिखर पर ले जाएगी जो दूसरे समाजों की तुलना से कहीं बहुत आगे जाएगी। मैं आप सबका आभार प्रदर्शित करते हुए जो मेरा मान और सम्मान किया मैं पूरी समिति का, और जो लोग हमारे जिले से जनप्रतिनिधि यहाँ विराजे हुए हैं अजमेर से नागौर से, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी संस्था के लिए और अपने समाज के लिए अच्छे कार्य के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, इसके लिए समाज को भी आपका आभार प्रदर्शित करना चाहिए। मेरे को 2 मिनट बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं तमाम अध्यक्ष जी का कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जाट, जय किसान।